हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों को बताएंगे कि बफर स्टॉल कैसे लगाया जाता है। तो देख लीजिए, ये फ्रेम बांधकर मैंने रेडी कर लिया है। बीच का जो स्टेप है 10 का है और जो साइड का स्टेप है साइडर में वो 8 फीट का है। और पाइप इस पे बांध करके फ्रेम बना लिए हैं। इस पे अब कपड़ा लगाएंगे। कपड़ा लगाने के बाद इसको सेटिंग कर देंगे। सेटिंग करते समय आप लोगों को दिखा देंगे किस प्रकार से सेटिंग किया जाता है इसका। सबसे पहले तो जितने मेज का आपको लगाना है उतना मेज आप बिछा लीजिए, लगा लीजिए। मेज लगाने के बाद आपको जो है कुछ इस प्रकार से फ्रेम बनाया जाता है। और यदि आप टोटल ट्रस्ट लगाना चाहते हैं तो ट्रस्ट लगा सकते हैं, जिस जहां पर जो ये जो पाइप लगा हुआ है पाइप की जगह पे ट्रस्ट का यूज करते हैं। तो इस पे कपड़ा भी लगाते हुए दिखा देते हैं आप लोगों को किस प्रकार से कपड़ा लगाया जाता है। कपड़ा किस प्रकार पिलर पे लगाया जाता है ट्रस्ट पे आप लोग दिखा देते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाए बफर स्टॉल कैसे लगाया जाता है। इसके कई मॉडल हैं, बहुत सारे मॉडल हैं। ये सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है बफर स्टॉल लगाने के लिए। नीचे ही सब कुछ ओके करके इसको लगा देंगे। पाइप पे पेस्टिंग करेंगे व्हाइट कलर कपड़े से। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और फ्लावर डेकोरेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो पाइप दिख रहा है पाइप बांधे हैं, पाइप पे पेस्टिंग होगा व्हाइट कलर कपड़े से। पहले ट्रस्ट पे रेड कलर का कपड़ा लगाएंगे। रेड कलर कपड़ा लगाने के बाद व्हाइट कलर से पेस्टिंग कर देंगे। उसके बाद इसको स्टैंड करके ट्रस्ट में बांध देंगे। तो दोस्तों, तो ये रेडी हो गया है। कपड़ा पिलर में लगा चुके हैं। अब पेस्टिंग करके आप लोग दिखा देते हैं। दिखाने के बाद जो है किस प्रकार से पेस्टिंग किया जाता है। पेस्टिंग करने के बाद आप लोगों को स्टैंड करके सेटिंग करके इसको दिखा देंगे।
कुछ इस प्रकार से पेस्टिंग करना पड़ता है। नीचे ही आप लोग पेस्टिंग कर लीजिएगा, ट्रस पे कपड़ा चढ़ाने के बाद पाइप पे पेस्टिंग कर लीजिएगा। पाइप पे पेस्टिंग करने के बाद उसको बाद सेटिंग कैसे करते हैं आप लोगों को दिखा देंगे। अभी जब सेटिंग करने टाइम आप लोगों को, हेलो दोस्तों, आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस प्रकार से सेटिंग किया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा बफर स्टाल किस प्रकार से बनाया जाता है, और इसमें ओनली ट्रस्ट और पाइप का यूज़ करके ये बफर स्टाल बनाया गया है। और देख लीजिए ये बफर स्टाल, आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये बफर स्टाल कैसा लगा, और आप लोगों को समझ में आ गया नहीं आया। और जो VIP बफर स्टाल बनता है आप लोग बना कर दिखा देंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। उसमें ओनली ट्रस्ट का यूज़ किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बनता है, इसी प्रकार से बनता है।